हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से न्यू जॉब वैकेंसी। इसमें सभी फ्रेशर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे डिप्लोमा के हों या फिर बीटेक के हों, सिविल के हों या मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं, इसका अप्लाई प्रोसेस भी दिखाने वाले हैं कि इसे कैसे अप्लाई किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा या ऑफलाइन किया जाएगा, सारा कुछ एक्सप्लेन बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की साइट पर हम आ गए हैं। तो यह एक गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरियर वाला सेक्शन, कैरियर वाला हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस टाइप की नोटिफिकेशन आ जाएगी, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर हम इसे कन्फर्म करके सबमिट कर देंगे तो ये हमारे सामने से हट जाएगा। इसके बाद हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सारी एडवर्टाइजमेंट नोटिस आई हुई हैं, सारी रिक्रूटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें देखना है कि सबसे पहले आप दिखा रहा है सिलेक्शन अ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ पर हमें इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, तो हमें क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट में जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आ जाता है। आइए इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आप देख सकते हैं, जलहली पोस्ट बेंगलुरु की ओर से यह निकाला गया है। इसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1973 की ओर से। इसे 8 दिसंबर को यहां पर इसे पोस्ट किया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु इन्वाइट अप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग पास्ट आफ्टर अप्रैल 2019। मतलब कह रहा है यहाँ पर कि 2019 के बाद का पास आउट होना चाहिए, 19, 20 और 21। तो आइए कैटेगरी आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बीटेक हमारा एलिजिबल हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और टेली कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर ये सारे लोग एलिजिबल हो जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और बहुत से यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग और यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर इन्हें अप्रेंटिसशिप के दौरान यहाँ पर मिलने वाले हैं 11,110 रुपये। और यहाँ परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 50% से अबव होना चाहिए OBC के लिए एंड जनरल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर 50% से अबव होना चाहिए और SC/ST का स्टूडेंट केवल पास होना आवश्यक है। अब आइए बात कर लेते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप यानी डिप्लोमा होल्डर के लिए। ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्टेबलाइज बार था स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और कॉमर्शियल। यहाँ पर इन्हें अप्रेंटिसशिप के दौरान यहाँ पर 10,400 रुपये मिलने वाला है। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर ओनली डिप्लोमा पास कैंडिडेट होना आवश्यक है। यहाँ पर आप नीचे की ओर देख सकते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। मतलब कह रहा है कि हम सिलेक्टेड कैंडिडेट को उनकी मेल के थ्रू हम उन्हें मेल भेज देंगे और यहाँ पर लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी हमारी वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट। तो यहाँ पर कह रहा है द ड्यूरिंग ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज 1 ईयर। यहाँ पर 1 साल का फुल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होने वाला है और यहाँ पर कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड ऑन चार्जेबल बेसिस। तो यहाँ पर चार्ज के बेस पर यहाँ पर आपको सारी चीज़ प्रोवाइड हो जाएंगी। फ्री OPD मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड एज पर कंपनी नॉर्म्स। 5 लाख का यहाँ पर होने वाला है इंश्योरेंस और बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई इन द प्रिस्क्रिप्टेड एप्लीकेशन फॉर्म द डाउनलोडिंग एनेक्स्योर ए एंड फोटो कॉपी डिग्री डिप्लोमा 10th और आधार कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कह रहा है हमें इस एड्रेस पर हमें पोस्ट कर दें, तो इस एड्रेस पर फॉर्म को भेज देना है। अब आइए देखते हैं हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि
यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट था, उसके नीचे लिखा है क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन, बीटेक या फिर डिप्लोमा, ब्रांच कौन सी है आपकी और कितने परसेंटेज मार्क्स आए हुए हैं, मंथ ऑफ ईयर पासिंग का रेजिडेंशियल एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, परमानेंट मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, सारी चीज़ों को यहाँ पर फिलअप करके उस एड्रेस पर भेज देना है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्क्रिप्शन में अपने दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट 27 दिसंबर रखी गई है, इसलिए आप लोग इसे जल्दी से अप्लाई कर दें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए होम डिज़ाइन और जॉब से रिलेटेड न्यू अपडेट्स, वैकेंसी लाते रहते हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी को एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।